नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोइन ओल्ड इस गोल्ड में आज हम बात करने वाले हैं तात्या टोपे की दो वीं बर्थ एनिवर्सरी पर जारी किए गए दस रुपये के सर्कुलेशन कोइन और नॉन सर्कुलेशन कॉइन दोनों कोइन के बारे में हम जानेंगे डिटेल में ये कॉइन 2015 में सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए थे जैसे ही ये कॉइन सर्कुलेशन के लिए आए थे ये पहुँच जाते हैं स्केयर कैटेगरी में और 2022 आते आते ये पहुंच जाते हैं रेयर कैटेगरी में और दोस्तों आपको बता देता हूँ ये सिक्का आपके पास है तो किसी को ये सिक्का आप ना दें और जानते हैं इस सिक्कों के बारे में डिटेल में अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तात्या टोपे की थीम्स पर जारी किए गए दस रुपये के सिक्कों की कीमत की बात करने से पहले जान लेते हैं इन सिक्कों के बारे में सिक्के की बैक साइड से तात्या टोपे की फ़ोटो लगी है और सिक्के के नीचे कॉइन का मेन ईयर है जो कि दो हज़ार पंद्रह है लेकिन ये सिक्का सर्कुलेशन में आए थे दो हज़ार सोलह में सिक्के के ऊपरी भाग में लिखा है तात्या टोपे की दो जयंती सिक्के को पलट के देखते हैं तो बीच में अशोक स्तंभ के नीचे सत्य जयते लिखा है और उसके नीचे दस रुपये और साइड में एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इंडिया लिखा है बात करते हैं इन सिक्कों के मेटल के बारे में इस सिक्के का मेटल बी मेटल है वेट इसका सात पॉइंट इकहत्तर ग्राम है साइज सत्ताईस एम एम है शेप राउंड है ये कलकत्ता मिंट से इशू हुए थे थिकनेस इसकी वन पॉइंट एट एम एम है फाइनली बात कर लेते हैं सर्कुलेशन में आपको ये सिक्के मिल जाते हैं तो आपको इन सिक्कों की कीमत क्या मिल सकती है तो दोस्तों आपको ये सिक्का सर्कुलेशन में मिल जाता है तो आपको इस एक सिक्के की कीमत यू कंडीशन में बारह हज़ार से सोलह हज़ार मिल सकती है यू कंडीशन में दोस्तों और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको मिल जाता है तो आपको ये सिक्का दिला सकता है सात हज़ार से दस हज़ार रुपये आपके पास ये सिक्का है तो किसी को ये सिक्का ना दें क्योंकि आप इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में रखें धीरे धीरे इस सिक्के की कीमत बढ़ती जा रही है हो सकता है फ्यूचर में ये सिक्का और भी ज़्यादा रेयर हो सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद दोस्तों